बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानू ले चलती हूँ झांसी की कुछ अहम खबरों की ओर। तहरौली थाना क्षेत्र के ग्राम दमना खुर्द के रहने वाले गोविंद दास निरंजन ने जिलाधिकारी कार्यालय आकर कोटेदार द्वारा गांव वालों को औने पौने तरीके से राशन वितरित व राशन में घपलेबाजी करने की शिकायत जिलाधिकारी से की है। गोविंद दास निरंजन ने बताया है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो चना गांव वालों को मिलता है उसे गांव के कोटेदार ने हड़प लिया है। जो जुलाई के समय में चना मिलना था वह अतिरिक्त चना सितंबर के महीने में गांव वालों को मिला और जो एक किलो मात्रा वाला चना था वह किसी के संज्ञान में आए बिना ही कोटेदार ने हड़प लिया। गोविंद दास ने बताया है कि उसने इसकी शिकायत मंत्रालय से लेकर जिले के आला अधिकारियों से की है जिस पर कोटेदार के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो सके। झांसी से संवाददाता मनीष अली की रिपोर्ट। मेरा नाम गोविंद दास निरंजन है। कहाँ से आए? मैं धमना खुर्द बाया बड़ा गाँव और टेरो धमना खुर्द से आया हूँ। क्या है मामला आपका? मामला ये कोटेदार राशन विक्रेता द्वारा मनमाने ढंग से अपना वितरण का मामला है। हाँ। और चना का हड़प किए जाने के संबंध में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो चना मिलता है उसको हड़पी कर ले गया। कौन कर ले गया? ये कोटेदार राशन विक्रेता। कैसे हड़प कर ले गया? ये बिना संज्ञान लाए, चूँकि जुलाई के महीने में चना मिलना था वो अतिरिक्त चना सितंबर के महीने में मिला था, तो एक किलो जो बराबर मात्रा मिलती थी उसको वो देना था और एक किलो और देना था। एक किलोग्राम बगैर संज्ञान में आए और जनता को वो जो है अपना कोटेदार बेच लिया या उसको कुछ भी कर लिया ये हमें पता नहीं है। फिलहाल जनता को नहीं दिया गया। सबके साथ किया गया, आपके साथ ही किया गया? अधिकांश लोगों के साथ किया गया है जिन हमें संज्ञान मिलाया। मैंने आपको एक एप्लीकेशन दे करके जिले में सारे अधिकारियों को जानकारी दी है और एप्लीकेशन दी है उनको जो है मतलब उसके पोस्ट से भेजी है बाई पोस्ट। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं इसमें हमको उचित न्याय मिले। गरीब जनता है वो साथ में जिनको परेशानी है उसे जनता न्याय मिल दे उच्च अधिकारियों द्वारा तो बहुत अच्छा रहेगा।